Hello, hi everyone. This is Dr. Sana Khan, your biology expert, and you're watching my channel NEET Biology Unplugged. So today we are going to continue with the lecture 8 of this chapter, where we are going to talk about the gastrulation from the part embryonic development. So, अगर आपको याद है तो लेक्चर 7 में हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू किया था, जहां पर हमने क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में बात करी थी। हमारा उस पार्ट में गैस्ट्रुलेशन रह गया था, जो कि हम ये लेक्चर में बात करेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, कैसे तीन जर्म लेयर बनते हैं, और ये तीनों जर्म लेयर से कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड टॉक अबाउट गैस्ट्रुलेशन इन डिटेल। तो गैस्ट्रुलेशन क्या होता है? गैस्ट्रुलेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला इनटू गैस्ट्रुला। तो हमने क्या पढ़ा था कि क्लीवेज में जाइगोट डिवाइड होता है, मोरियुला बनता है, मोरियुला से आपका ब्लास्टुला बनता है। तो जब ब्लास्टुला चेंज हो जाता है इनटू गैस्ट्रुला, दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन। आई होप आपको रिमेम्बर हो कि ब्लास्टुलेशन क्या होता है, ब्लास्टुला क्या होता है। मैंने आपको कहा था कि जब सेल्स ब्लास्टुला में अरेन्ज हो जाते हैं एंड वहां पर एक कैविटी बन जाती है, ओके, तब उसको जाके हम उसको ब्लास्टुला कहते हैं। सेम वे गैस्ट्रुला भी क्या होता है, जहां पर सेल्स रीअरेंज हो जाते हैं एंड वो जब तीन जर्म लेयर्स बना लेते हैं, तो उनको उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गैस्ट्रुला, ओके, या फिर हम उसे कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। सो गैस्ट्रुलेशन टेक्स प्लेस बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्म लेयर अकर्स एंड दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन। एंड जो मूवमेंट ऑफ सेल्स हो रहा होता है टू रीअरेंज देमसेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। नाउ व्हाट आर द थ्री जर्म लेयर्स? ओके, वी नो दैट गैस्ट्रुलेशन में तीन जर्म लेयर बनती है। तो ये तीन जर्म लेयर कौन सी है, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में इन डिटेल एटलीस्ट आपने नाम सुना होगा। इन द चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर आपने पढ़ा होगा कि तीन जर्मिनल लेयर्स होती है। द आउटर मोस्ट लेयर इज द एक्टोडर्म, द मिडिल लेयर इज द मेसोडर्म एंड द इनर मोस्ट लेयर इज द एंडोडर्म। ओके, सो ये कब बन जाती है? ये अराउंड 15th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन बन जाती है। सी, आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर बहुत सारे डेज है जो हमें याद रखना है, लाइक क्लीवेज में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्लीवेज कब हो रहा है, मोरियुला कब बन रहा है, ब्लास्टुला कब बन रहा है, गैस्ट्रुला कब बन रहा है, इम्प्लांटेशन कब बन रहा है। सो यू कैन मेक अ चार्ट वेयर लेफ्ट साइड यू कैन राइट डाउन द इवेंट्स एंड ऑन द राइट साइड यू कैन राइट डाउन द डेज। सो व्हेन यू मेक अ टेबल, जब आप टेबल बनाकर उसको एक दो बार देख लेते हो, पढ़ लेते हो, तो आपका जो कंफ्यूजन है वो काफी कम हो जाता है एंड यू इजिली रिमेम्बर द डेज अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट। ओके, सो गैस्ट्रुला में तीन जर्म लेयर्स बनती हैं एंड ये जर्म लेयर्स अराउंड 15th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन बन जाती है। और ये कहाँ बनती है? ऑब्वियसली आपके एंडोमेट्रियम में, बिकॉज इम्प्लांटेशन हो चुका होता है, सो अकर्स विद इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट लेयर। ओके, सो तीन जर्म लेयर में जो सबसे पहली लेयर बनती है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोडर्म, द इनर मोस्ट लेयर। सो द एंडोडर्म इज द फर्स्ट जर्म लेयर टू अपियर। इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको ये लास्ट डायग्राम दिखाया था इन द प्रीवियस लेक्चर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज जाइए, उसमें काफी सारे अच्छे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जिससे आपको काफी सारा चीजें, इनफैक्ट सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी रिलेटेड टू द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। So let us see कि एंडोडर्म बनती कैसे है। So this is the layer, okay, the basal cell. If you remember, तो एक साइड में मैंने आपको कहा था, एक साइड में जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं एम्ब्रियो ब्लास्ट या फिर एम्ब्रियोनल नॉब आप कह सकते हो। याद है जो इनर सेल्स थे, वो इनर सेल्स ब्लास्टुला फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, दे गो टू द वन साइड, ओके, एंड व्हाट डू दे फॉर्म? दे फॉर्म एम्ब्रियो ब्लास्ट, दे फॉर्म एम्ब्रियोनल नॉब, राइट? सो ये जो सेल्स है, द बेसल सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो ब्लास्ट की जो सबसे लोअर मोस्ट सेल्स है, ब्लास्टोसील की तरफ, दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज द ब्लास्टोसील। तो इसकी जो लोअर मोस्ट सेल्स है, ये डिफरेंशिएट हो जाती है एंड इट बिकम्स फ्लैट। ओके, सो द लोअर मोस्ट सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो ब्लास्ट वो अपने आप को डिफरेंशिएट करेगी और फ्लैट बन जाएगी। एंड जब वो फ्लैट बन जाएगी, ओके, तो उसे हम कहेंगे एंडोडर्म। एंड फिर ये जो सेल्स होंगे, सी यहाँ पर ये लेयर फ्लैट हो गई है, एंडोडर्म बन गया है, एंड फिर ये एंडोडर्म के लेयर सेल्स होंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे। कैन यू सी, दे आर मल्टीप्लाइंग एंड दे आर गोइंग डाउन एंड दे गेट अरेंज्ड ऑन द डाउनवर्ड साइड, दिस डाउनवर्ड साइड। सो दे गेट अरेंज्ड ऑन द डाउनवर्ड साइड
and along the lining of the trophoblast of the plastodermic vesicle. So this is the plastodermic vesicle. ये है आपका blastophyte. तो यहाँ पर ये नीचे ऐसी पूरी लेयर बनती है आपके ट्रोफोब्लास्ट के अंदर. These are the trophoblast cells जिसके अंदर ये लेयर बनती है. And this endoderm tube, okay, is called as, so formed is called as primitive gut या फिर archenteron. तो इसको हम क्या कहेंगे? Primitive gut या फिर archenteron. And now we will be calling this cavity as gastroceil because एक layer, the first layer is already formed. Okay, so this is how the endoderm gets formed. So endoderm कैसे बनता है? The basal cells जो होते हैं वो अपने आप को differentiate कर लेते हैं, वो flat बन जाते हैं. Okay, and they are called as endoderm and वो नीचे की तरफ आते हैं. And now when they come downwards, it's called as primitive gut या फिर archenteron. And ये जो cavity है अब वो बदल जाती है into gastroceil. So it is the earlier blastoceil with changed endodermal lining. Now let us see what happens. अब ये जो आपकी जो basal cell की ये वाली जो क्या बोलते हैं layer है, okay, endodermal layer है, इसको हम कहेंगे embryonic endoderm and ये होता है हमारा remaining endoderm. So this layer which has become flat, obviously it is the same layer which is going down. बट ये वाली जो लेयर है इस पार्ट को हम कहेंगे एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म और ये जो बचा हुआ एंडोडर्म है ओके द रिमेनिंग एंडोडर्म अलोंग विद दिस ट्रोफोब्लास्ट सेल. तो ये एंडोडर्म अलोंग विद दिस ट्रोफोब्लास्ट सेल ये बनाएंगे प्राइमरी योक. ओके प्राइमरी योक क्या है? प्राइमरी योक एक वो सैक है जिसके अंदर फ्लूइड है बट योक नहीं है. ओके सो बची हुई जो एंडोडर्मल सेल्स है विद द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स दे आर गोइंग टू फॉर्म व्हाट? दे आर गोइंग टू फॉर्म अ प्राइमरी योक. ओके वो प्राइमरी योक बनाएंगे जिसके अंदर कोई फ्लूइड नहीं, प्राइमरी योक बनाएंगे सॉरी जिसके अंदर फ्लूइड होगा बट योक नहीं होगा. वैसे भी हमने पढ़ा है अब दैट की जो क्लीवेज होता है दैट्स होलोब्लास्ट. ओके सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट लेयर दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म. सो हमारा एंडोडर्म बन गया है. हमने पढ़ा एंडोडर्म से कैसे नीचे की लेयर आपकी प्राइमरी योक सैक बनाती है. अब आ जाते हैं हम सेकेंड लेयर जो बनती है दैट इज योर एक्टोडर्म. यस डू रिमेम्बर दैट आफ्टर एंडोडर्म जो नेक्स्ट लेयर बनती है वो है हमारी एक्टोडर्म एंड नॉट द मेसोडर्म. सो द अदर सेल्स ऑफ द एम्ब्रियोब्लास्ट मतलब एम्ब्रियोब्लास्ट का ये रीजन. ओके यू कैन क्लियरली सी जो पिंक रीजन मार्क है ये बचे हुए सेल्स है एम्ब्रियोब्लास्ट के. ओके जो ट्रोफोब्लास्ट की तरफ है ये देखो ये ऊपर का ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है. तो ये वाले जो सेल्स है ओके ये यहाँ पे नीचे तो एंडोडर्म बन गया है. तो ये जो बचे हुए सेल्स है जो ट्रोफोब्लास्ट के साइड में है ओके वो भी अपना शेप चेंज कर लेते हैं एंड दे बिकम कॉलमनार एंड कॉम्पैक्ट. सी दे आर गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस. सो ये लोग क्या करेंगे? ये जो सेल्स होंगे वो अपना स्ट्रक्चर अपना शेप चेंज कर देंगे एंड दे विल बिकम columnar cells. You can clearly see they are looking like a columnar cells and finally they will form your second layer that is ectoderm layer. Okay, so जो बचे हुए cells है आपके trophoblast के side में वो भी अपना structure and shape change कर देते हैं. They change themselves into columnar cells and now they are called as ectoderm layer. So this is how your ectoderm layer is formed. So this is the ectoderm and this is the endoderm. So I hope it is clear कि endoderm और ectoderm कैसे बना है. And endoderm or ectoderm, it looks like a disc. अगर जब हम ऊपर से देखते हैं तो we say that it looks like a disc. Okay. And now it will lead to a formation of the next thing that is formation of embryonic disc. तो सबसे पहले हमारा क्या बना? सबसे पहले हमारा बना है obviously हमारा endoderm बना है. Then ectoderm बना है. Now we are coming to the third point that is the formation of embryonic disc. So this is the embryonic disc. So the future embryo proper that is the baby develops from this embryonic disc. So जो embryo proper मतलब आपका जो baby होगा that will develop from the embryonic disc. See like this. Okay, so embryonic disc क्या थी? आपकी वो जो दो layer थी उन वो बनाएगी आपकी embryonic disc जिससे जाकर आगे develop होगा future baby. Now let us come to the next point, the fourth point that is the formation of amniotic cavity. So ab next structure jo banega wo hoga amniotic cavity. So a space appears between the amniogenic cells. Okay, see these are the amniogenic cells jo upar ka layer hai. Okay, ye wala jo layer hai ye banata hai aapka amniogenic cell. Hum isko kehte hain amniogenic cells. Aur aapki jo embryonic disc hai ye तो बीच में इसके और इसके बीच में देयर इज अ स्पेस व्हिच इज क्रिएटेड एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड एज एमनियोटिक कैविटी.
So this is called as amniotic cavity, which gets filled up with a fluid called as amniotic fluid. So this is the amniotic cavity, which is marked with blue, and it is filled with a watery amniotic fluid, which is secreted by both the cells of amnion. Okay, these are the cells of amnion. ये है cells of amnion, इसलिए इनको हम amniogenic cells कहते हैं, या फिर embryo. Okay, so दोनों के दोनों जो cells होंगे, they are going to produce this fluid, which is going to be filled in the amniotic cavity. So during further development, the amnion will increase greatly in size. धीरे धीरे वो जो amnion cells मैंने आपको बताए थे in the previous image, वो बहुत ज्यादा multiply होंगे, उनकी size काफी बढ़ जाएगी, and finally the embryo will lie suspended within it in the amniotic fluid. Okay, so वो जो layer होगी उसके वजह से ये बड़ा सा sac type बन जाएगा, and उसके अंदर there will be a fluid in which the baby will be present. So embryo is going to lie inside that amniotic fluid. So this is going to protect the embryo from mechanical shock and dryness. So amniotic fluid is very, very important because it prevents the baby from any mechanical shock as well as from dryness. Now let's come to the next structure, that is the formation of mesoderm. So पहले क्या बना था? Endoderm. Second कौन सी layer बनी? हमारी ectoderm. Third was the formation of embryonic disc, which is nothing but ecto and endo together. And जो fourth हमारा जो बना था, that was our formation of amniotic cavity. Amniotic cavity कैसे बनी थी? Amnion और फिर नीचे की जो हमारी embryonic disc के बीच में जो space थी, उसको हमने कहा था amniotic cavity. Now let us come to the last part. Okay, that is the formation of mesoderm. So see, now what is happening over here? Embryonic disc का hind end, which is marked with this red, ये देखो. So embryonic disc का जो hind end होता है, पीछे का part होता है, वहाँ पे जो cells होते हैं, वो proliferative करते हैं, मतलब वो मल्टीप्लाई करते हैं, एंड मल्टीप्लाई करने के बाद एक दे आर गोइंग टू फॉर्म लाइक अ बंच. ओके, सेल्स विल प्रोलिफरेट, दे विल फॉर्म लाइक अ बंच, गुच्छा जैसे बन जाएंगे, एंड वहां से डिटैच हो जाएंगे, मतलब अलग हो जाएंगे एंड स्प्रेड हो जाएंगे. ओके, जैसे कोई भी एक गुच्छे को आपने तोड़ दिया, मतलब तो कैसे इधर उधर चले जाएंगे, सेम वे यहाँ के भी जो सेल्स होंगे वो प्रोलिफरेट होंगे और धीरे धीरे जाकर वो डिटैच हो जाएंगे एंड स्प्रेड हो जाएंगे. कहाँ पर स्प्रेड होंगे? बट मैम, वेयर डू दे आर गोइंग टू एग्जैक्टली स्प्रेड? वो स्प्रेड होंगे बिटवीन द ट्रोफोब्लास्ट एंड द एंडोडर्म. नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंडोडर्म क्या है? ये वाली लेयर है हमारी, करेक्ट? ये एंडोडर्म है, राइट, जिसने ट्रोफोब्लास्ट को मिला के प्राइमरी योक बनाई थी. सो ये जो एंडोडर्म है, ओके, और आपका ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है, सी, दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट सेल एंड दिस इज द एंडोडर्म. सो इन दोनों के बीच में जो सेल्स होंगे वो डिटैच होके स्प्रेड हो जाएंगे एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म मीसोडर्म. सी दिस लेयर. ओके, सो दिस इज हाउ द मीसोडर्म इज फॉर्म. सो यहाँ पर सेल्स प्रोलिफरेट होंगे, डिटैच होंगे, एंड दे आर गोइंग टू कम इन बिटवीन एंडोडर्म एंड दिस ट्रोफोब्लास्ट सेल, और बीच में अब ये जगह बन जाएगी. ओके, ये पहले नहीं थी, ये लेयर अब बनी है, and this will be called as mesoderm, and more appropriately it will be called as extra embryonic mesoderm. क्या कहेंगे हम इसको? Extra embryonic mesoderm. So now let's see what happens. अब ये extra embryonic mesoderm gets divided into two. ये जो है हमारा outer, this part, okay, ये वाला part which is marked with blue, this is called as parietal extra embryonic mesoderm, which is lining this trophoblast cell, and जो अंदर वाला layer है ये वाला, ओके, दिस इज कॉल्ड एज विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म, विच इज लाइनिंग द योक सैक. सी, दिस इज द योक सैक, ओके, और ऊपर की तरफ दिस इज द एम्नियोटिक कैविटी. सो दिस लेयर इज लाइनिंग दिस योक सैक, एंड यहाँ से इट इज लाइनिंग द एम्नियोटिक कैविटी. तो मीसोडर्म कैसे बनाए? आई होप इट इज क्लियर. यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो प्रोलिफरेट होते हैं, डिटैच हो जाते हैं, दे कम इन बिटवीन दिस ट्रोफोब्लास्ट लेयर एंड दे कम इन बिटवीन दिस एंडोडर्म, एंड हियर दे फॉर्म एन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म व्हिच गेट्स डिवाइडेड इनटू टू लेयर. द ब्लू लेयर इज कॉल्ड एज द पैराइटल वन एंड द रेड वन इज कॉल्ड एज द इनर वन. ओके, एंड दिस एंटायर स्पेस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम. So now let us come to the last part, that is formation of chorion and amnion. So now what is chorion and what is amnion? Let us see. So what is chorion? See, chorion is trophoblast plus parietal extra embryonic mesoderm. So parietal extra embryonic mesoderm with the trophoblast cell is called as chorion.
And what is amnion? Amnion is the amniogenic cells plus the visceral extra embryonic mesoderm. So हमारा जो parietal mesoderm होता है, okay, and the visceral mesoderm होता है, वो ही जाके आगे जाके बनाता है आपका amnion and chorion. So amnion क्या है? Amnion is the innermost part of the placenta. So amnion is nothing but amnion is lining your amniotic cavity. Okay, so here see, it's lining your amniotic cavity and it is holding all the amniotic fluid and the embryo. And chorion क्या है? Chorion सबसे outermost membrane है. ये देखो बाहर है ना. So chorion is the outermost membrane which is surrounding the embryo and the other membrane. So please remember that chorion बाहर है, amnion अंदर है. Okay, so chorion is formed with the trophoblast plus the parietal extraembryonic mesoderm, and the amnion is formed with the amniogenic cell plus visceral extraembryonic mesoderm. So now let us talk about the, in short, once again about the VS of late gastrula. This is how it will be clear in your mind ki finally kaise gastrula banta hai. Jaise humne kya padha, gastrula mein teen layers bante hain. So see, this is how the endoderm first, sabse pehle endoderm banta hai. Okay, now this is your ectoderm which has got formed. Ye hai aapka mesoderm. Upar ki amniotic cavity hai. This is the yolk sac. I hope it is getting clear in your mind when the diagrams are coming, because we have already talked in detail in the previous slides. And this is the outermost one which I told you. Okay, chorion. This is the coelom. And finally, okay, this is the chorion and that's your coelom. So that's all about the VS of late gastrula. So you have to remember that first the endoderm gets formed, then the ectoderm, and then finally the mesoderm gets formed. So now let us see what is the fate of three germinal layers. So finally, we already know that these three germinal layers are going to give rise to different tissues and organs in our body. आपने 11th standard में already पढ़ा होगा कि चार types of tissue हैं, वो चारों tissue कौन से layer से आते हैं. The same way tissues and organs are formed by this germinal layer, and this is called as histogenesis. So let us see कौन से layer क्या बनाते हैं. Like ectoderm. Now if we talk about ectoderm, so ectoderm से क्या क्या बनता है? Okay, epidermis, pituitary, tooth enamel, nervous system, conjunctiva, cornea, lens, retina, hair, nails, adrenal medulla. Adrenal medulla is the inner part of the adrenal gland, stromatium, and proctodium. Okay, so these are the layers which come from the ectoderm layer. So all the three layers are going to give rise to the different parts of our body. See, these are also the questions which are asked in exams. Okay, आपको clearly पूछा जा सकता है कि following are the organ which are formed through which layer. So you should know that ectoderm से क्या क्या बनता है. Ectoderm से epidermis, pituitary, tooth enamel, nervous system, conjunctiva, hair, nails, adrenal medulla, stromatium. Stromatium को हम stromatodium भी कहते हैं. ये एक depression है आपके brain or the pericardium in an embryo. So this is a depression kind of a thing which is present in the brain and the pericardium of an embryo. Okay, and it is the precursor to the mouth and the anterior lobe of the pituitary. Precursor means later on it is going to develop into mouth and the pituitary. So that is your stromatium, jisko aap stromatodium bhi keh sakte hain. Okay, so now comes the last part which an ectoderm give rise to is the proctodium. Proctodium ko proctodium bhi keh sakte ho. So proctodium is the third distal most chamber of the avian cloaca. Okay, it develops from the ectoderm layer. Now let us come to the next one, that is the mesoderm. So mesoderm se kya kya aata hai? Dermis aata hai, muscles aate hain, heart, blood vessels, lymphatic vessels, tooth, dentin, kidney, adrenal cortex, see medulla ectoderm se aata hai and cortex comes from the mesoderm. These are the things which you need to remember. Then comes the testes, ovaries, and coelom. So these are the plus the middle layer. So these are the layer which comes from the mesoderm, and the last part is the endoderm. So endoderm se kya aata hai? Epithelium of the midgut, digestive glands like liver, pancreas, tongue, tonsils, trachea, bronchi, lung, larynx, thyroid, parathyroid, thymus gland, ye teenon glands hai, urinary bladder, epithelium of urethra, vagina, vestibule. These were the layer which come from the
last layer, that is the endoderm. So ectoderm, mesoderm and endoderm, the different parts arise hote hain. These are the parts which can directly be asked in the MCQ. So this is all about the embryonic development in detail. Embryonic development humne do lecture mein divide kiya tha, lecture number 7 and lecture number 8. Lecture number 7 was little bit big, I know, because usme humne cleavage kiya hai, usme humne blastulation kiya hai and humne implantation kiya hai. And now we are going to, and in this lecture we have talked about gastrulation in detail. We have talked about gastrulation in detail. In case agar aapko koi doubt hai to aap please कमेंट बॉक्स पे लिखिए. मेरे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है. अगर आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ बात करनी है, यू वांट टू टेल मी, यू वांट टू गिव मी सजेशंस रिगार्डिंग शॉर्ट्स, रिगार्डिंग वीडियोस, प्लीज यू कैन राइट इट इन एन ईमेल एंड सेंड इट टू मी. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन इवन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. सो आई विल सून मीट यू विद द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 9, वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन इन डिटेल. टिल देन, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, स्टडी हार्ड and try to achieve your goal. Bye.